अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज। देखो आप नहीं है, ऐसे कई लोग हैं जो भोंडिया बना के माशाल्लाह हजारों लाखों रुपए के जरिए बना के गिराएंगे। अपन जंगल में कर सकते हैं तो आप 15-20 महीने में आप लोग कैसे मिला नहीं करा सकते भाई? लाखों रुपए किराया आ रहे हैं आपको। और क्या है मालूम है, मोहल्ले के कुछ अब बयाना दिए वो दिए ये दिए बोले तो गाड़ू धम दिया। हम सुनने वाले नहीं थे, गली बात घूमलो निकलो बयाना कौन दिया उनको अटका देते जेल को भेज दो। आप लोग का काम है, अगर उस तरीके से गंदगी कर रहे हैं ला तो आप लोग आके सफाई कराना हो। सफाई करा तो अहमद गाने करा हमेशा भाई तो जब से आया पूरी रोड नहीं करा दे भाई नहीं करा दे ऐसे गुल्लू ढरा दे ये आपके बरवाला में ये गली चल के नहीं है भाई और हमें हमेशा आप बोल दे रहे हो आप जो जो साइड जो बरवाला पूरी जमीन माफी यहाँ से वहाँ से बोले ये झोपड़िया जो है ना इनके भैया बड़े भैया जो है ना उन्होंने बोले हटा दे यहाँ कहीं भी कर रहा तो बोले इन्होंने बोले 2 महीने में हटा दे तुम भाई झोपड़िया वाले। सलामुअलैकुम, मैं बालापुर रॉयल कॉलोनी से बात कर रहा हूँ और जो सो परसों मेरे नाम से जो सो लैंड ग्रापर है और जो सो पहलवान दाऊद पहलवान बोल के जो सो पेश करे है मीडिया के अंदर जो सो ये मेरी खरीदी हुई जो सो 83 में खरीदी हुई जो सो मेरी जो सो प्रॉपर्टी 83 के रजिस्टर्ड पेपर है मेरे पास। ये जो सो कुछ यहाँ के लोग जो सो लोकल लोग जो है ना बर्मा के रेफ्यूजियों को तंग करने के लिए मेरे को भी हरासमेंट कर रहे हैं ज़बरदस्ती के कब्जे करे बोल के और जो सो ये लैंड ग्राफी के बोल के जो सो मेरे को मीडिया में जो सो वायरल कर रहे हैं जो सो और न्यूज़ को और म्यूनसिपल को मैं ख़रीदा बोल के जो सो वायरल कर रहे हैं। म्यूनसिपल में भी मैं जो सो कोर्ट से नोटिस दिया, ऑलरेडी मेरा कोर्ट में केस चल रहा है मेरा जो सो और मेरे जो सो ये 20 फीट की रोड है ये जो सो साइड के मेरे इधर के जो सो रोड के ईस्ट साइड के लोग जो सो 2-2 फीट 3-3 फीट कब्जा कर लेके उन लोग जो सो मकान नए बना लिए। मेरे जो सो 40 साल पुराने मकानियत है मेरी और जो सो ये मकानियत जो सो मेरी अभी भी देख लो पूरा मैं जो सो बता रहा हूँ जो सो ये जो सो 40 साल पुरानी मिल्कियत है। मैं एक कोई भी नई तामीर नहीं करा, मैं ख़रीदा जब से उससे पहले से बने हुए है ये जो सो और 83 के रजिस्ट्री पेपर आए मेरे पास जो सो मेरे को जो सो ये गरीब जो सो रिफ्यूजियों को रख रहा हूँ बोल के इन लोग को जो सो यहाँ पर कुछ बस्ती के लोकल लोगों को शिकायत है करने की वजह से इन लोग जो सो मेरे को हरासमेंट कर रहे हैं और मेरे प्रॉपर्टी के ऊपर इन लोग की जो सो गुंडे अनासर की निगाह है। इसी वजह से जो सो इन लोग जो है ना मेरी प्रॉपर्टी को तंग कर रहे हैं और जो सो मेरे जो सो रहने वाले रिफ्यूजियों को तंग कर रहे हैं और जो सो क्या है मालूम है यहाँ पर रोड के इस साइड से लोग जो सो 2-2 फीट 1-1 फीट करके बढ़ गए, बढ़ के रोड को जो सो 14 फीट कहीं जो सो 16 फीट कहीं जो सो मेरा मैं ऑलरेडी जो सो 5 फीट जो सो साइड बैगिंग है मेरी हर तरफ पे मेरी बाउंड्री के अतराफ में तो मैं जो सो 5 फीट मैं ऑलरेडी छोड़ा हुआ हूँ रोड के साइड पे। छोड़ने के बावजूद भी जो सो मेरे को जो सो वो जो सो लेके जो सो बोल रहे हैं कि तुम सामने आ गए वो आ गए मेरे ऑलरेडी बने हुए जो सो 30 साल 35 साल 40 साल पुराने प्रॉपर्टी के बने हुए वो है मेरे कंस्ट्रक्शन है मेरा। अब वो आके रेफ्यूजियों को रोजाना गालियां देना, रोजाना उन लोगों को आते को जाते को रोड से जो सो उन लोगों को सताना, कुछ जो सो यहाँ के लोकल जो सो लोग है जो उन लोग को जो सो तंग कर रहे हैं ये रेफ्यूजियों की वजह से उन लोग को जो सो बहुत जो सो दुनिया की यहाँ पर जो सो लोग आके इन लोग की मदद कर रहे हैं तो इन लोग को जो सो एक जलन सी हो रही है। अल्लाह इनके इनके कदमों से अगर जमीन हटा देगा तो जो सो अल्लाह जो सो मालूम होएगा इन लोगों को जो NRC जो आ रहा था उसके अंदर जो सो हम मुसलमानों के ऊपर भी जो सो ये आफत आने वाली है। रेफ्यूजियों के ऊपर मुसीबत आई, इन लोग को मैंने जगह दिया, मेरा पोल्ट्री फार्म थे यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पोल्ट्री फार्म पहले से चलते थे, इन लोगों को मैं अपने जो सो जगह दिया मैं इन लोगों को रहने के लिए। अब वो मेरे को बोलते हैं कि तुम जो सो मोटी रकम हासिल कर रहे हैं इन लोगों से वो कर रहे हैं, मेरे अंदर मेरे हदूद में जगह दिया मैं उन लोगों को मेरे देने से यहाँ बालापुर के अंदर इस वक्त 5,000 से ज़्यादा फैमिली को दिए हुए लोग मेरे मेरे सपोर्ट में। अब बोलते हैं कि मैं यहाँ का पहलवान हूँ वो हूँ,
ये हूँ, बल्कि जो सो यहाँ पर पेश कर रहे हैं यहाँ के कुछ लोकल लोग जो मेरे अग्नेस्ट है, उन लोग वो लोग जो सो बयान दे रहे हैं जो सो मीडिया में और जो सो ग्राम पंचायत म्यूनसिपल जलपल्ली को जो सो नोटिस दिए, तो म्यूनसिपल जलपल्ली मेरे को नोटिस दिया, देने के बाद मैं उसका जवाब कोर्ट से दिया, मेरी जमीन इतनी है, आइए आप देखिए सर्वे करिए बोल के बोला, तो उन लोग के ऊपर भी इल्जाम लगा दिए कि जो सो ये के इनको खरीद लिया मैं। म्यूनसिपल का एक ऑफिसर जो अभी सुखद कमिश्नर है, वो इतना सीधा ऑफिसर है, किसी की एक रुपया नहीं खाने वाला ऑफिसर है, वो ऑफिसर को भी बदनाम कर रहे हैं। अब हुकूमत से क्या चाह रहे हैं आप? अब मैं आपके तरफ से ये चाह रहा हूँ कि कुछ मीडिया जो सो कुछ बिकाऊ मीडिया जो सो वायरल कर रही है कि मेरे को जो सो पहलवान है लैंड ग्रापर है बोल के, ये रिफ्यूजियों के बारे में भी जो सो बदनाम कर रहे हैं, जो सो इन लोगों का मसला है, रोड डेनिस का मसला है, रोड डेनिस का बोलना है इन लोग जो सो बिला वजह ये प्रॉपर्टी है ना, यहाँ पर कितने कब्जे के प्रॉपर्टियां हैं मैं जानता हूँ, मैं बताता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर पूरी जिंदगी गुजार रहा हूँ, यहाँ पर मेरी प्रॉपर्टी आज की खरीदी हुई नहीं है, मेरी 83 की प्रॉपर्टी है खरीदी हुई है, मैं 83 से यहाँ पर मुकीम हूँ जो सो, ये सब पूरे अब नए नए आए हुए हैं और नए नए आके जो सो ये जो सो कुछ लोगों से गुंडों से कुछ जो सो उस लोगों से मिलके जो सो साजिशें कर रहे हैं मेरे खिलाफ, और ये जो सो एक बड़ी जगह है जो सो ये जगह दे दो बोल के है लैंड ग्रापरों का, ये जो सो इसके ऊपर यही जो सो उन लोग का नजर आए। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं यहाँ पे रॉयल कॉलोनी बालापुर में आया हूँ, जो हफ्ते के दिन सैटरडे के दिन यहाँ पे सारी मीडिया पे तकरीबन मीडिया पे यहाँ पे कुछ रोड का मसला था, हमारे दाऊद कुरैशी बोल के है यहाँ पे जो उनकी बाउंड्री है, कुछ आगे बढ़ गए, रोड छोटी कर दिए 15 फीट की कर दिए बोल के, इसके मीडिया सारी मीडिया में चला, आप लोग देखे होंगे। उसके लिए हमारे चेयरमैन साहब जलपल्ली म्यूनसिपल अब्दुल्ला सादी साहब और इंचार्ज अहमद सादी साहब, हमारे कमिश्नर प्रवीण कुमार साहब ने मुझे यहाँ पर भेजा है और मैं यहाँ पे आया हूँ और देखा हूँ। देखने के बाद मुझे तो ऐसा लग रहा है कि रोड छोटी हो गई, क्योंकि सौ आदमी यहाँ पे जमा है, लोगों का ऑब्जेक्शन है यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं जाते करते बोल के, और मैं वेरीफाई के लिए आया हूँ, हमारे दाऊद कुरैशी साहब को भी बुलाया हूँ और जो आजू बाजू के जो लोग हैं जो उनके डॉक्यूमेंट देख रहा हूँ मैं, उसके लिए आया हूँ, हमारे डॉक्यूमेंट लेके म्यूनसिपल में जमा कराऊँगा, उसके बाद जो भी है म्यूनसिपल उसके लिए स्टेप लेंगी, चाहे वो लीगल हो इलीगल हो, इलीगल है फौरन वो तोड़ने का हुक्म देती है और तोड़ देंगे इंशाल्लाह, अगर नहीं लीगल है तो इंशाल्लाह कायम रहेगा वो, हम इसका वादा कर रहे हैं। यहाँ पे सैकड़ों पब्लिक है, सौ पब्लिक जमा है, जिसका ऑब्जेक्शन है पब्लिक को कि रोड हमारे छोटी हो गई, रोड पे कब्जा करे बोल के, उसके लिए मैं एरिया काउंसलर अहमद कसादी हूँ। और रोहित भाई कुछ पूछना है? रॉयल कॉलोनी एरिया पे तकरीबन जगह पे कब्जे हो रहे हैं, हां रोडों पे जो है घर बना ले रहे हैं, कब्जे कर ले रहे हैं। ये खैर यहां पे लाइट करना को मेरे पास सुना, वो क्या जो है प्रॉब्लम देखेंगे इंशाल्लाह, रोडों पे जो कब्जे भाई करो सर। 24 घंटे फार्मेसी सबीर हॉस्पिटल्स अपोजिट आंध बैंक आसिफ नगर रोड मेहदीपट्टनम हैदराबाद।